17 अगस्त की भर्ती कैंसिल कर दी गई है, इस भर्ती को 23 अगस्त को की जाएगी। एडमिट कार्ड यही रहेगा, टाइम भी सेम ही रहेगी। कैंडिडेट ध्यान दे, 17 अगस्त की भर्ती कैंसिल कर दी गई है, इस भर्ती को 23 अगस्त को की जाएगी। नमस्कार, जय हिंद साथियों। नई सैन्य भर्ती योजना अग्निपथ योजना के तहत देश में सैन्य भर्तियां शुरू हो चुकी है। एक तरफ अग्निवीरों की भर्ती प्रोग्राम के तहत देश में भर्तियां शुरू हुई है, वहीं दूसरी ओर लौटते मानसून की बारिश देश के अलग अलग राज्यों में हो रही है। इसी बारिश के चलते देश के हजारों लाखों युवाओं को इस बात की चिंता सता रही है कि अगर वो फिजिकल देने जाते हैं और अगर ग्राउंड के ऊपर बारिश का साया मंडराता है तो उनका फिजिकल कैसे होगा, या फिर उनको बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। ठीक इसी बारिश के चलते ऐसा ही वाकया सामने आया है हरियाणा के हिसार से। सेना भर्ती कार्यालय हिसार जो अंबाला जेडारो के अंतर्गत आता है, वहां वर्तमान में देश की शुरुआती सैन्य भर्ती ये जो अग्निपथ योजना है इसके तहत शुरू हो चुकी है और शुरुआती 5-6 दिन की जो प्रक्रिया है वो भी संपन्न हो चुकी है। इसी क्रम में आज वहां युवाओं ने दौड़ के लिए पहुंचे वहां युवा, और पहुंचने के साथ साथ वहां भारी बारिश भी हुई। इसी बारिश के बीच युवाओं को इस बात की चिंता थी कि आज उनकी दौड़ है वो बारिश के बीच ही होगी या फिर ग्राउंड की जो कंडीशंस है जो बारिश के चलते खराब हुई है उसी खराब कंडीशंस में उनकी दौड़ होने वाली है। लेकिन युवाओं के लिए यहां सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी बात यह रही कि सेना भर्ती कार्यालय हिसार की ओर से युवाओं को अनाउंसमेंट दिया गया और एक बेहद ही अच्छे तरीके से जो रिजर्वेट डे है वो घोषित किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 17 अगस्त को जो कंडक्ट होने वाली भर्ती थी, जो दौड़ थी, जो फिजिकल मेजरमेंट के लिए युवाओं को बुलाया गया था, हजारों युवा वहां पहुंचे थे, उन युवाओं की अब दौड़ है वो 23 अगस्त को कंडक्ट होगी। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि 23 अगस्त को आपको एडमिट कार्ड वही लेके जाना है जो आपने 17 अगस्त को यानी कि आज के दिन आप भर्ती स्थल के ऊपर लेके गए हैं। साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि आपको समय उसी समय के ऊपर वहां पहुंचना है जिस समय के ऊपर अभी आप वर्तमान स्थिति में पहुंच रहे हैं। बोले तो रात्रि 1 बजे से आपकी जो लाइन की जो स्थिति बनने शुरू हो जाती है उसी तरीके से आपको सेम डे आपको 23 अगस्त को करना है। केवल और केवल फर्क यह है कि आपके लिए एक रिजर्व डे रखा गया है जो बेहद ही अच्छे संकेत है। अब पूरे देश के उन युवाओं के लिए यह भी बता दें कि जो मानसून के लौटते जो वक्त है, अभी देश में अलग अलग जगह बारिश हो रही है, कई जगह अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से बारिश चल रही है, और इसी बारिश के बीच जो आपकी चिंताओं के जो साये हैं उनके लिए आपको बता दें कि सेना भर्ती कार्यालय देश के जो अलग अलग सेना भर्ती कार्यालय ARO है वो इसके ऊपर प्लानिंग कर रहे हैं कि युवाओं को बारिश के चलते परेशानी ना हो, इसके चलते वो रिजर्व डे के ऊपर विचार किए कर रहे हैं और इसके शुरुआती विजुअल भी आपने जरूर देखे होंगे। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के हिसार में कल तकरीबन जो सेना भर्ती दौड़ हुई थी उसमें हिसार जिले के युवाओं ने भाग लिया था। सेना भर्ती कार्यालय हिसार की ओर से दी गई जानकारी के तहत तकरीबन 2472 युवाओं ने इस दौड़ में हिस्सा लिया, जिसमें से तकरीबन काफी युवा 300-400 के करीब युवा है वो हाइट मेजरमेंट में फेल हुए। डॉक्यूमेंट की जो प्रक्रिया उसमें भी वो शुरुआती जो डॉक्यूमेंट्स है वो अधूरी होने के कारण वो फेल हुए और तकरीबन 1850 के करीब युवाओं ने दौड़ लगाई। और अगर रेशियो माना जाए प्रत्येक बेंच का कितने कैंडिडेट्स वहां पास हुए तो तकरीबन 20 से 25 कैंडिडेट्स पर बेंच के अंदर पास हो रहे हैं और ऐसे ही विजुअल लुधियाना सेना भर्ती कार्यालय की ओर से आ रहे हैं। देश में अभी वर्तमान स्थिति में इन जगहों के ऊपर सेना रैली भर्ती चल रही है। वहीं अब कोटद्वार वे बरेली सेना भर्ती कार्यालय के अंतर्गत फतेहगढ़ में भी सेना भर्ती 19 अगस्त से शुरू होने जा रही है। देश के युवा जो अब लगातार निरंतर तैयारियों में जुटे हुए हैं उनके लिए कुछ डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया है वो युवा अधूरी लेके जा रहे हैं, जिसके चलते वो ग्राउंड में फेल हो रहे हैं या फिर ग्राउंड में जो शुरुआती प्रक्रिया है उसमें उनको लिया नहीं जा रहा है। उनके ऊपर एक सही सटीक जानकारी मैं बेहद जल्द आपसे साझा करने वाला हूं। आपसे अनुरोध है कि आप डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया को पूर्ण रखें, क्योंकि उसके पश्चात आप अगर अधूरी या पूरे डॉक्यूमेंट के बिना आप ग्राउंड के ऊपर जाते हैं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है या फिर आप फिजिकल मेजरमेंट के लिए शुरुआती स्टेज से वंचित भी रह सकते हैं। तो ये तमाम जानकारी एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको जरूर और बेहद जल्द दूंगा, लेकिन साथ साथ आपको बता दें कि अब आप उस बात के ऊपर ज्यादा चिंताएं ना करें कि अगर भारी बारिश होती है तो आपके वेन्यू स्थल के ऊपर आपको एक रिजर्व डे भी दिया जा सकता है। और सेना भर्ती कार्यालय की ओर से जो जानकारियां मिल रही है उसके तहत इसके ऊपर निरंतर विचार विमर्श हो चुका है और इसके ऊपर युवाओं को चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत अपने मेजबान दिनेश को। वीडियो सेलेक्टिव जो भी आपके सुझाव हो हमें कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम हैंडल या मेल के माध्यम से जरूर भेजिएगा। आपके सुझावों का हमें हमेशा निरंतर इंतजार रहता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए पूरे डीआरएम परिवार का दिल से शुक्रिया।
मिलेंगे फिर ताजा सटीक विश्लेषण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।